हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक होम डेकोर हॉल वीडियो। इसमें आपको ज्यादातर किचन के आइटम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, बिकॉज किचन में मैं बहुत सारा चेंजेस करने वाली हूँ, तो धीरे धीरे सारा चीज कलेक्ट कर रही थी। एंड जो भी प्रोडक्ट है वो अलग अलग स्टोर के हैं, कुछ होम सेंटर के हैं, कुछ मार्केट 99, कुछ ट्रेड फेयर के भी चीजें हैं। मैंने सोचा सारा चीज कलेक्ट करके रखूं एंड आपके साथ एक हॉल वीडियो शेयर करूं। एंड सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश करूंगी, पर जैसे कोई आइटम का मेरे को लिंक नहीं मिला, जैसे कि मैंने जो ट्रेड फेयर से लिया है उसका लिंक तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट और सिमिलर लिंक आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं वेबसाइट से स्टार्ट करती हूँ। सो वेबसाइट के होम डेकोर के आइटम्स काफी अच्छे होते हैं, बट वो थोड़े प्राइसी होते हैं। अगर आप कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्राइसी होता है, बट उनके प्रोडक्ट्स काफी अच्छे एंड बहुत यूनिक होते हैं। बट मैंने कुछ चीजों में तो अपना नजर डाला हुआ था कि मैं उन सबको लूंगी। तो सबसे पहला है ये स्नैक्स का डब्बा, ये मुझे काफी क्यूट लगा और ये मेटल का है, पर मैं ये जो है ये वुडन का है, ये एयर टाइट कंटेनर है, तो इसमें आप जो स्नैक्स या बिस्किट वगैरह आराम से रख सकते हैं। तो इसका प्राइस है 499 रुपीज, विच आई सेड कि थोड़ा सा प्राइसी होता है, बट देन बहुत क्यूट भी होता है। तो इसके बाद मैंने लिया है ये ऑनियन एंड पोटेटोज का डब्बा, ये काफी बड़े साइज में है एंड काफी क्यूट है। ये भी मेटल का बना हुआ है एंड नीचे में इस तरह से होल दिया हुआ है, तो आपकी जो पोटेटोज एंड ऑनियन है वो खराब नहीं होंगे। एंड ऊपर में एक एयर टाइट कंटेनर है। तो इससे पहले मैं एक ओपन बास्केट में रखती थी, बट वो ऑनियन के जो छिलके वो इधर उधर उठते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने ये वाले बॉक्सेस लिए। इसे आप बाहर भी रख सकते हैं, ये काफी सुंदर भी दिखता है। एंड इसका प्राइस है 699 रुपीज, विच आई सेड थोड़ा सा प्राइसी होता है, बट ये बहुत क्यूट होता है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ऑनियन पोटेटोज एंड वो स्नैक्स का डब्बा ली। इसी स्टाइल में सेम गार्लिक का भी डब्बा था, बट अगेन वो थोड़ा मेरे बजट से बहुत ज्यादा आगे चल रहा था, बिकॉज 699 अगेन ये 599 आई गेस, सॉरी 499, तो ये थोड़ा सा ज्यादा रेंज में जा रहा था, तो मैंने गार्लिक का डब्बा वहां पे छोड़ दिया। बट इंटरेस्टिंग सा बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लसन लिखा हुआ डब्बा है, सेम कॉन्सेप्ट, होल दिया हुआ है एंड एयर टाइट कंटेनर भी है। इसे मैंने लिया है मार्केट 99 से और इसकी प्राइस है 299 रुपीज, बट सैडली उनके पास ऑनियन एंड पोटेटोज का डब्बा नहीं था, नीदर स्नैक्स का कोई डब्बा था। ये दोनों प्रोडक्ट काफी सिमिलर है डिजाइन वगैरह, बट इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। मैंने सोचा कि काश मार्केट 99 में भी इस तरह के डब्बे आ जाए, तो वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा एंड सुंदर भी दिखेगा। तो या मार्केट 99 से मैंने ये लहसुन का डब्बा लिया। फिर उसके बाद मैंने मार्केट 99 से ये एक कैंडल लिया है। सो ये है कैंडल और फ्लेवर है लोटस फ्लावर, काफी सूदिंग सा स्मेल है एंड ये कलर मुझे काफी अच्छा लगा। ये कलर मैंने क्यों चूज किया ये आपको अपकमिंग वीडियोस में पता चल जाएगा। सो या मार्केट 99 से मैंने ये कैंडल लिया एंड ये कैंडल का प्राइस है 179 रुपीज, विच इज क्वाइट गुड और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड ठीक ठाक बजट में आ जाता है। एंड उसके बाद मैंने मार्केट 99 से ये ट्रे लिया है, ये मेटल का है एंड इसकी प्राइस है 199 रुपीज। इसके अलग अलग साइजेस भी थे, इसका एक छोटा साइज था एंड उसका प्राइस आई गेस 149 रुपीज था एंड इसका 199 रुपीज, तो मैंने बड़े वाले साइज लिया है। सो आई गेस मैंने मार्केट 99 से भी अगेन तीन ही चीज लिया है। एंड उसके बाद मैंने स्पार से ली है, तो स्पार का जो स्टोर है वो वही मॉल के नीचे ग्राउंड फ्लोर में है एंड वहां से मैंने ये लंबी वाली रनर ली है जो नेवी ब्लू कलर का है। तो इसका मैं लेंथ आपको बता दूं, ये है 1.37 मीटर का। सो मैंने ये नेवी ब्लू का लिया है, मुझे काफी कलर अच्छी लगी और इसका प्राइस है 799, बट उसमें मुझे ऑफर मिला था, तो ये जो 799 का प्रोडक्ट है ये मुझे 399 रुपीज में मिला था,
विच इज क्वाइट गुड, काफी लेंथ अच्छा है एंड क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी है, तो इसे मैं रनर के हिसाब से यूज करूंगी, बट कहाँ पे वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। एंड उसके बाद मैंने स्पार्स से ये ग्लास स्पाइस कंटेनर लिया है और ये ऑफर प्राइस में था 99 rupees का, 4 का सेट मिल रहा था, तो विच इज क्वाइट गुड 99 rupees में 4 डब्बे वो भी ग्लास के। एंड इसे मैं ओपन करती हूँ। सो इस तरीके के ग्लास स्पाइस कंटेनर है, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके के साइड वाइज में भी रख सकते हैं, ये काफी क्यूट लगता है एंड 99 rupees में 4 की सेट तो काफी अच्छी है। सो ये मैंने स्पार से लिया है। आई गेस अगेन यहाँ पे भी मैंने 3 चीज ही ली है, तो व्हाट अ कोइंसिडेंस, सारा जगह से मैंने 3 चीज ही उठाई है। नेक्स्ट चलते हैं होम सेंटर। सो होम सेंटर भी अगेन सेम मॉल में ही है, सुभाष नगर के पैसिफिक मॉल में। तो अगर आप वो पैसिफिक मॉल जाते हैं तो आपको वहाँ पे मार्केट 99, होम सेंटर, स्पा, इन सब के स्टोर भी मिल जाएंगे एंड प्लस वहाँ पे चुंबक का भी स्टोर खुल गया है। तो अगर आपको इस तरह की क्यूट क्यूट चीजें चुंबक की पसंद है तो वहां से आप ले सकते हैं, बट अगेन वो थोड़ा सा प्राइसी होता है। सो या हम चलते हैं होम सेंटर की तरफ और होम सेंटर से मैंने लिया है ये बाथ मैट। इसका कलर समवॉट ब्लू व्हाइट है बट कम्प्लीटली नॉट ब्लू एंड इसका प्राइस है 159 rupees। तो मैंने सेम कलर के 4 मैट लिए हैं। सो या लेट्स मूव ऑन टू ट्रेड फेयर से मैंने क्या लिया है। ट्रेड फेयर में मैं आपकी बार लास्ट डे में गई थी तो मुझे इतने सारे चीजें अच्छी नहीं लगी एंड प्लस बहुत ज्यादा क्राउडेड था तो कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा था। अगर आप कुछ चीज देख रहे तो आपको लोग धक्का मार के बाहर निकाल देते थे, तो मैं इतना अच्छा शॉपिंग नहीं कर पाई बट थोड़ा बहुत लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने सिरामिक्स के ये 2 कप्स लिए हैं। सिरामिक का जो कलेक्शन था ये वाले पर्टिकुलर जगह में बहुत सुंदर था, तो वहां से मैंने ये 2 कप लिए हैं। इसे आप सूप बाउल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि ये इसका मैं एक सेट लेके जाऊं तो वो अच्छा लगेगा, बट देन आखिरी डे था, किसी का कोई सेट नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऑरेंज एंड येलो कलर लिया, तो काफी सुंदर सा था। एंड उसके बाद मैंने ये छोटा सा कंटेनर लिया है, अगेन ब्लू कलर और इस तरीके के लीड के साथ है, तो ये भी काफी सुंदर था। प्लस बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स थे, मन तो करा था मैं सारा ले जाऊं बट थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा तो मैंने ज्यादा शॉपिंग वहां पे नहीं किया। तो मैंने यही 3 चीज मैंने वहां से ली है। तो भैया ने मेरे को टोटल बताया था सबका 650 rupees, आई गेस ये 250 का था एंड ये 200 ईच बताया था भैया ने, तो मैंने बोला कि इतना तो मैं नहीं देने वाली बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। तो मैंने ये तीनों का 500 rupees में डील किया था, विच वॉज क्वाइट सेटिस्फाइंग कि मैंने कुछ तो बार्गेनिंग किया है एंड ये 3 चीज 500 rupees में लेके आई हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेड फेयर से इस तरीके की प्लेट्स ली हैं। तो ये जो प्लेट्स होती है आपको किलो के हिसाब से मिलता है, तो वहाँ पे मुझे ये जो कलर है काफी सुंदर लगा, तो इसका मैंने 2 का सेट लाया है। ये आपका प्लास्टिक या मेलामाइन का प्लेट है, इट्स नॉट गुड, आप इसे खाने के पर्पज में नहीं यूज कर सकते हैं, बट इसे मैं कुछ और पर्पज में लेके आई हूँ, आपको आगे के अपकमिंग वीडियोस में थोड़ा थोड़ा पता चल ही जाएगा। तो ये था पहला 2 चीज एंड उसके बाद मैंने ये 2 प्लेट का सेट लिया है, ये वुडन फिनिश का है। तो ये जो टोटल प्लेट्स का सेट बाय किलो मुझे अराउंड 250 rupees अराउंड पड़ा, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, इसका प्राइस मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ, बट या ये 4 का प्लेट मैंने लिया है। उसके बाद मैंने ये जूट बैग लिया है, इसमें इस तरीके के हैंडल लगे हुए हैं एंड ये कुछ इस तरीके के दिख रहा है एंड सिमिलरली मैंने अगेन ये बैग ली है, इसमें भी हैंडल लगा हुआ है एंड इस तरीके की बैग है। ये 2 मैंने कुछ और पर्पज से लिया है, कुछ DIY होने वाला है इससे, क्या DIY होने वाला है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, बट एनीवेज मैं अभी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ। तो ये 2 मैं जूट का बैग ली हूँ,
ये अगेन थोड़ा सा प्राइसी था, टोटल भैया ने बता रहा था कुछ 800 रुपीज, बट देन आई मैनेज और 600 में मैंने ये दो का बैग लिया है। तो यह आई गेस कि हम लोग होम डेकोर का ये हॉल वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बिकॉज आई गेस मैंने सारा चीज दिखा दिया है। So yeah, I hope you guys like this video. If you did, then please give a thumbs up and comment down below. और अगर आपको मेरे videos and content अच्छे लगते हैं, मेरे channel को subscribe और bell icon को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। So इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ मेरे next video में। Till then, bye and take care.